प्रकाश में जीवन को विश्वास पूर्ण साथ हम सारे जहां स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम गरजते आकाश क्या पहाड़ को ना हिला सके नदियां उभर आएगी जमीन को भीस ना सके एकता की आत्मा बल से गगन को झुकाए हम सारे जहां स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम सब दीदियों को प्रणाम। मेरा नाम है सुबानी टुट्टी, गांव रेखापाड़, क्लस्टर 5 पहिया। मैं शांति सोय समूह की सचिव। सभी दीदियों को प्रणाम। मेरा नाम है दावलन टुट्टी, गांव राय का पाठ, क्लस्टर 5 पहिया, शांति स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूं और सक्रिय महिला का काम भी करती हूं। सभी दीदी को प्रणाम। मेरा नाम कृपा होरो है, राय का पाठ गांव, शांति समूह की सदस्य हूं और पुस्तक संचालक का काम करती हूं। अच्छा दीदी, मैंने नाचा दीदी लोग, हम लोग तो 10 रुपया बचत करते हैं, इतना ज़्यादा संख्या है कि आपस में ऋण तो पूर्ता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग दीदी लोग से आशा करते हैं कि अगर हम लोग बड़ा ऋण लेंगे तो जितना भी हम लोग का गरीबी है, गरीबी हटने के लिए हम लोग बड़ा ऋण लेने का कोशिश करेंगे। हाँ दीदी, आप तो ठीक बोल रहे हैं। तो हम लोग को तो सब कोई को बड़ा ऋण लेने के लिए ज़रूरत होता है, कहे के लिए सब कोई दुकान करते हैं, कोई सब्जी व्यापार करते हैं, तो जब भी बड़ा ऋण मिलता तो और आगे अपना गरीबी को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रणाम दीदी, आपका परिचय दीजिए। सब दीदी को प्रणाम। प्रणाम, मेरा नाम है मुनिया महतो, गांव है 5 पहिया, क्लस्टर 5 पहिया। मैं गेंदा स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ और 7 दिन प्रशिक्षण लिए हुए MCP CMT के काम करती हूँ। तो दीदी, हम लोग तो 10 रुपये बचत करते हैं, तो यहाँ सब दीदी के लिए तो ऋण लेने के लिए नहीं होता है, तो आपको तो ज़रूर मालूम है, और हम लोग बड़ा ऋण लेने के लिए सब कोई कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को बड़ा ऋण लेने के लिए थोड़ा बता दीजिए। समूह में रहने वाली सभी सदस्यों, हम लोग समूह में सभी सदस्य हैं जी। तो समूह में रहने वाली सभी सदस्यों अपना अपना जरूरत अभी हो रहा है ना, अपना अपना जरूरत हुआ तब तो हमको बुलाएं आप लोग और MCP बनाएंगे बोले। तो अपना अपना जरूरत और परिवार का स्थिति, आप लोगों को उनका तो परिवार का स्थिति मालूम नहीं है, है नहीं है किसी का भी, किसका परिवार का स्थिति कैसे है कैसे नहीं वो मालूम नहीं है। तो अपना परिवार का स्थिति, उसके बाद अपना नैपुण्य माने अपना क्षमता के साथ ताकत के साथ चर्चा करके तैयार करने वाला योजना को हम लोग MCP कहते हैं। अभी समझे दीदी? तो MCP का मतलब है सूक्ष्म ऋण योजना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान और हिंदी से बोलते हैं सूक्ष्म ऋण योजना। मैंने जो छोटा छोटा ऋण लेके अभी नहीं पूर रहा है तो हम लोग बड़ा ऋण लेने के लिए जो उपाय कर रहे हैं इसी को सूक्ष्म ऋण योजना कहते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे अभी हम लोगों को उनका समूह का, आप लोगों का समूह का लक्षण कैसे है पहले देखना है। तो आप लोगों का समूह का उम्र कितना है? 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है। 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों का बैठक कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक से सबको उपस्थिति अच्छा से हो रहे हैं? तो अच्छा, तो आप लोगों का बचत भी अच्छा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते हैं ना। तो ठीक है तब। तो दीदी, अभी हम लोग 7 सीढ़ियाँ का तो आप लोगों को उनको कुछ जानकारी नहीं है, तो हम अभी आप लोगों के लिए 7 सीढ़ियाँ का बारे में बताएंगे। पहला सीढ़ी है समूह का
समग्र समाचार। पहली सीढ़ी है समूह का समग्र समाचार। इसमें समूह का नाम, गांव का नाम, क्लस्टर का नाम लिखा जाता है। इसके अलावा समूह के बैठक का क्रम, बचत का क्रम, समूह का प्रारंभ हुआ दिनांक, सदस्यों का हाजिरी प्रतिशत भी अंकित किया जाता है। समूह में अब तक कुल बचत कितना हुआ है, क्या समूह को बाहर से भी कोई सहायता मिली है, बैंक खाता से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, उधार वापसी से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है वगैरह भी समूह के समग्र समाचार में लिखा जाता है। दूसरी सीढ़ी है समूह के सभी सदस्यों के परिवार का समग्र समाचार। इसमें सभी सदस्यों की उम्र, जाति, उनकी पढ़ाई, उनके काम धंधे की जानकारी ली जाती है। इसके अलावा उनके परिवार का विवरण, उनके मकान और जमीन का विवरण, पशु संपत्ति और परिवार से संबंधित अन्य समाचार भी अंकित किया जाता है। इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वह गरीबी की स्थिति, यानी कि समूह के सदस्यों को अति गरीब, गरीब, कम गरीब और जो गरीब नहीं है, इन श्रेणी में बांट दिया जाता है। इन दो सीढ़ियों के साथ ही पहले दिन की बैठक समाप्त होती है। इसके बाद दीदी बाकी दीदियों को यह समझाती हैं कि वह अपने घर जाकर परिवार के सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करें और किस काम के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता है इस पर भी चर्चा करें। साथ ही उन्हें अपने परिवार का आय व्यय का विवरण भी लेकर अगले दिन आना होता है। समूह में चर्चा हुआ, MCP का पैसा आया है, उसी पैसा को किसी धंधा में लगाएंगे बोल के सोच रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, लगाएंगे, पैसा का तो दरकार है, ले लेना 10-15 हज़ार रुपया, व्यापार करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है हम लोग को। ठीक है, तो आज क्या हुआ? आज स्वयं सहायता समूह का बैठक था, गए थे बैठक में? हाँ। बैठक में क्या हुआ? MCP के तरफ से समूह में पैसा आने वाला है, और हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे, पैसा को हम लोग लेकर के बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, इसलिए तुम 5,000 रुपया ले लेना और पैसा को हम लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे, ठीक है? हाँ। दूसरे दिन की बैठक सूक्ष्म ऋण योजना की तीसरी सीढ़ी से शुरू होती है, जिसमें समूह के सभी सदस्य अपने परिवार के आय और व्यय का विवरण देते हैं। दीदी, खेती बाड़ी जमीन से आय कितना आ रहा है? पति का मजदूर से आने वाला आय कितना है? सदस्य पत्नी आपका आपका आय कितना है? 3,000। इस बीच पुस्तक संचालक दीदी समूह के सदस्यों द्वारा दी गई सारी जानकारी को अपने रजिस्टर में भी नोट करती जाती हैं। तो दीदी, हम लोग तो अभी तक तीसरा सीढ़ी तक तैयार किए हैं, तो आज हम लोग अभी हम लोग चौथा सीढ़ी तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए तैयारी है तो? हाँ दीदी, ठीक है, तब तैयार करेंगे। सदस्यों का नाम है? पति का नाम? आर्थिक बुद्धि के लिए करने वाले कार्यक्रम, क्या काम के लिए दीदी? दावलन दीदी सिलाई मशीन के लिए पैसा लेने खोज रही है।
तो करने वाला काज के लिए कितना जरूरी है दीदी? 10,000। इसमें से आपको हिस्सा भाग भरना पड़ेगा 1,000। हाँ दीदी। समूह देने वाली उधार 9,000। महीने को आने वाला आय 2,000। महीने को आने वाला होने वाला खर्च 1,000। आने वाला आय से बचने वाला 1,000। किस्तों की संख्या 15। आपस करने का विधान में आप लोगों का असल 600। ब्याज 180। कुल 780। तो दीदी मैंने किसका ज़्यादा ज़रूरत है? हम लोग को तो MCB बनाने से 85,000 रुपया पहला मिलता है, तो ज़्यादा किसको ज़रूरत है? का जिसका ज़्यादा ज़रूरत है उस दीदी आप लोग से चर्चा कर लीजिए, उसी को हम पहला नंबर देंगे। तो किसको पहले देंगे दीदी? हाँ तो जिसको विशेष ज़रूरी है, इतना कोई के लिए एक ही बार के लिए तो सबके लिए तो नहीं पैसा पूरा होगा। इसी प्रकार समूह के सभी सदस्य दीदी लोग आपस में मिलकर ही निर्णय करते हैं कि जरूरत के हिसाब से और सीजन के हिसाब से सबसे पहले कौन कौन सी दीदी को ऋण मिलना चाहिए। तीसरा में कौन दीदी को देना? तीसरा नंबर में ये दीदी को देंगे, कि बच्चा अभी एडमिशन करवाना है। और इस तरह पांचवी सीढ़ी तैयार हो जाती है, जिसमें पहली बार किन किन दीदी को सूक्ष्म ऋण योजना के तहत ऋण मिलेगा उसकी जानकारी नोट कर ली जाती है। तो दीदी अभी 5 दीदी को तो पहले बार में ऋण मंजूर देने के लिए मंजूर कर दिए हैं, ऋण देने के लिए। तो इसमें से आप लोग किस्त और ब्याज मैंने महीना में सही तरीके से आपस करना है कि दूसरे बार दीदी लोगों को भी सही तरीके से ऋण मिल जाए, इसी तरह का आप लोग आपसी करने का जरूरी करना है। हाँ दीदी, हाँ। ठीक है दीदी, पहले बार में तो हम लोग 50,000 रुपया का बड़ा ऋण में बांट दिए हैं, तो अभी दूसरे बार में दूसरे बार लेने वाले दीदी को पहली बार MCP के तहत जिन दीदियों को ऋण मिलेगा अगर वह समय पर असल और ब्याज की किस्त जमा करें तो 6 महीने के अंदर ही रोटेशनल प्लान के हिसाब से बाकी बची दीदियों को भी ऋण मिल सकता है। सातवीं और आखिरी सीढ़ी है करारनामा। इसमें 3 तरह की भागीदारी या करारनामा होता है, सदस्य और समूह के बीच, समूह और ग्राम संगठन के बीच, ग्राम संगठन और ब्लॉक संगठन के बीच। सभी दीदी को जोहार। मेरा नाम शर्मती महतो, गांव बरंगा निशा स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूं और बरंगा के एक्टिव वुमेन भी हूं। दिसंबर में MCP का पैसा 5,000 रुपया ली हूं, उसमें से मैं पोल्ट्री फार्म चला रही हूं।
चार महीना किस्त ब्याज सही समय पर लौटा रही हूँ और उसमें से हमको कुछ फायदा भी आ रहा है और घर में भी कुछ फायदा हो रहा है।